बहुत बढ़िया एकदम. हेलो 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 भाई, आप व्यू चेक करें जरा. ओए होए, मोहब्बत हो गई है मुझे इस व्यू से. ये जो वैली है ना, इसकी खूबसूरती कुछ अलग है भाई, बहुत अलग खूबसूरती है. ऑल राइट जी, रात को हम लोग पहुंच गए थे पैंगोंग. काफ़ी लेट हो गया था, 7:30 से 8 बज गए थे. और रात की स्टे रही हमारी यहाँ पे मेराक के अंदर, होम स्टे, मर्जी होम स्टे. और बहुत ही ज़्यादा प्यारा वेदर रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे. रात की स्टे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एकदम ओल्ड स्कूल टाइप, कच्चे घर वाली फीलिंग बढ़िया, एकदम वैसी स्टे थी रात की. और रात को ये लोग चले गए थे सारे के सारे अपना स्टार गेजिंग वगैरह के लिए. लेकिन मैंने सोचा कि अभी हानले जाना ही है और स्टार गेजिंग देखनी है, तो हानले में क्यों ना बहुत अच्छे तरीके से देखें. अभी फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी धूप निकली हुई है, बहुत बढ़िया. अभी थोड़ा पैंगोंग के साइड में जाएंगे, फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे, रील्स बनाएंगे, उसके बाद सीधा यहाँ से निकलेंगे. पैंगोंग मर्जी होम स्टे से ब्लॉग की शुरुआत आज हम बाइक से ही करेंगे, क्योंकि अभी तो ब्लॉग एंड किया था और आगे जाके छोटा सा फोटो ब्रेक लेंगे, उसके बाद सीधा हानले की तरफ निकलना है. बता रहे हैं कि रोड थोड़ा सा ख़राब भी है. हाँ जी गाइस, हाँ जी, अरे चलें क्या? सुबोध जी गाड़ी रेडी है, निकलने की तैयारी पूरी पूरी हो चुकी है. सेट वेट कर लेते हैं अपना शीशे भी. रात को इनके वो जितने भी हाई बीम्स होती हैं वो सारी की सारी लग रही थी, इसलिए मैंने शीशे थोड़े डाउन कर रखे थे. अभी सेट हो गए हैं, साथ में पैंगोंग है, आगे कोस्टल रूट से निकलेंगे. रात को तो मैं दिखा नहीं पाए थे, दिखाते हैं कि कोस्टल रूट्स में क्या क्या है. चले ब्रो, राइड जी शुरू है, चालू है, स्टार्ट है. निशु भाई ऑलवेज रेडी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए, कभी भी निकल जाएंगे विंडो से बाहर. थोड़ी सी थकान है आज, पता नहीं क्यों है, हाइट पे रुकने की वजह से है या क्या है, पर अपना तो है. और आगे देख के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी भी है, टायर से भी ठंडे पड़े होंगे. और जी ओ हो 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 हो, क्या सुंदर जगह, क्या सुंदर जगह है पैंगोंग, बेस्टेस्ट थिंग भाई. एक सौ 33 किलोमीटर की ये लेक है, जिसका 30% ऑफ पोर्शन जो है वो इंडिया में रहता है, बाकी 70% चाइना के पास है. जी प्रॉपर कोस्टल रूट ऑफ पैंगोंग लेक, द इमेजिकल पैंगोंग लेक, ये आपको सामने दिखाई देगी. सारी की सारी
कलर चेंजिंग है, मैं प्रॉपर ब्लू है, ब्लू के भी दो शेड्स हैं इसमें, कैमरे में शायद नहीं दिख रहे होंगे, ब्लू के भी दो शेड्स हैं, एक लाइट ब्लू है, एक रॉयल ब्लू प्रॉपर, कहीं कहीं जगह ब्लैक दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हाँ जी, तो ये रहा कुछ नज़ारा बैकग्राउंड का, पीछे से बहुत बढ़िया है, एकदम मैजिकल लेक, तीन शेड्स विजिबल हो रही हैं, एक जो नॉर्मल पानी का कलर होता है वो, एक लाइट ब्लू, एक डार्क ब्लू, और कहीं कहीं बीच में जाके पर्पल और ब्लैक का भी शेड दे रही है बीच बीच में। तो यहाँ पे कुछ फोटोज़ क्लिक करवाई हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाई हैं, तो वो सब आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, हैंडल यहीं कहीं होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो अगर आप देखेंगे तो आपका आने का मन करेगा। हाँ जी, तो ये रही जी पेंगोंग लेक, बिल्कुल इसकी कोस्ट पे आके बैठे हुए थे, फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए यहाँ पे, मैजिकल लेक के बाहर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार नज़ारा, और ये ऊपर उठ रहा है ड्रोन, मक्की जैसा कहीं दिखेगा तुम्हें। बस अब यहाँ से निकलने लगे हैं क्योंकि हानले पहुँचना है, और यहीं पे बहुत सारा टाइम हो गया है, तो फटाफट से मिलते हैं आप लोगों को आगे, और आगे की स्टोरी देखते हैं रास्ते में क्या मिलता है क्या नहीं, फिर बताते हैं। I've been thinking, reminisce, got that sinking feeling. सुंदर तो थी भाई जी ये जगह, बहुत ज़्यादा हमेशा ही रही है, और बहुत बढ़िया व्यू था, मज़ा आया, फ़ोटोज़ रील्स करवाई। अभी यहाँ से निकल के जाया जा रहा है पहले रोड पे, फिर इन लोगों के साथ मतलब वेट करके इन लोगों का, फिर निकला जाएगा आगे। ओहो, यहाँ पे तो फॉर्चूनर के वो कर रखे हैं ना, ड्रिफ्ट जो मारी थी, जेरी कैन से पेट्रोल था सारा का सारा, वो बहा दिया होगा इस टाइम पे तो गाड़ी के अंदर, पेट्रोल की स्मेल आ रही थी। एक्चुअली पेट्रोल की नीड पड़ जाती है यहाँ पे, कभी भी कुछ भरोसा नहीं होता, तो उस हिसाब से कैरी करके चलना पड़ता है एक्स्ट्रा। हानले का देखेंगे क्या हाल है, रोड थोड़ा ख़राब बताया गया है, तो हानले में कैसा सा हमें रोड मिलता है, कैसी सी वहाँ पे कंडीशंस या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, कुछ नहीं पता चलता है अभी। मतलब बीच बीच में बाइक भी नहीं चला रहा हूँ मैं, छोड़ दे रहा हूँ बाइक की, भाई थोड़ी देर तुम लोग चलाओ, ये लोग भी मज़े कर रहे हैं और अपना भी थोड़ा रेस्ट हो जा रही है, क्योंकि नी में थोड़ी सी चोट लगी थी, तो उसमें वो ठंड के टाइम पे थोड़ा वो पेन जो होती है ज़्यादा होती है, कोई भी अगर आपको गुम चोट है या नॉर्मल भी लगती है, ठंड के टाइम पे वो पेन डिफरेंट ही है। तो बस वही वाला थोड़ा सा हिसाब, यहाँ हम रुक गए, यहाँ करेंगे हम वेट अपने साथियों का, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए, आते ही होंगे वो लोग भी, मैं बस थोड़ा सा जल्दी निकल आया क्योंकि ठंडी हवा तो चलो यहाँ भी लगी, पर वहाँ एकदम पानी के साथ में बहुत तगड़ी ब्रीज चली हुई थी, एकदम नीला, एकदम से कहते ना प्रॉपर नीला खारा पानी, वो था ये व्यू, सुंदरता एट इट्स बेस्ट। ओए होए होए होए, ये साइड में इसके वाइट वाइट सा दिख रहा होता है पेंगोंग के साइड में, ये सारा का सारा नमक होता है, ये अल्टीट्यूड सॉल्टी लेक है, ये एरिया आ जाते हैं बीच बीच में, क्योंकि पानी ऊपर से ग्लेशियर से पिघलता है, उनको जगह तो चाहिए निकलने के लिए, तो ये बम्प्स बनाए हुए हैं, और जो सुंदरता का नज़ारा है यहाँ का वो तो मेरे ख्याल से कहाँ ही होगा। अरे अरे, फोटो वीडियो चलेगी क्या कुछ, यहाँ से भी रास्ता कटना शुरू हो जाएगा, हम पेंगोंग के कोस्टल एरियाज को छोड़ देंगे, यहाँ से पेंगोंग जाती है चाइना की तरफ प्रॉपर, पीछे से और भी गाड़ी बाइक्स आ रही हैं, आर्मी एरिया में यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, ये है 19 कुमाऊं का रिजांगला मेमोरियल,
यहाँ लगाएंगे पार्किंग पे। और ओए होए होए भाई साहब, मतलब किस जगह आ रहे हैं हम? होए 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 भाई, ये चीज देखनी बनती है यार, देखनी बनती है ये चीज। मजाक से हट गए, वो तो आगे निकल गए, नहीं पकड़ना। कोई नहीं, ले भाई इसको। तो जी हम आ गए रिजांगला मेमोरियल। होए होए होए, रिजांगला मेमोरियल। रिजांगला मेमोरियल जो कि सबसे ज्यादा पास है चाइना बॉर्डर के। यहाँ पे कोई फेंसिंग कुछ नहीं होती। आप ये लगाओ कि ये पहाड़ पार करते के साथ ही, जो सामने पहाड़ है, पार करते के साथ ही स्ट्रेट आउट चाइना है। और यहाँ पर शायद मैं दिखा पाऊँ या नहीं, हाँ ये देखिए, यहाँ पर ये जो वाइट पोर्शन है ये हमारे इंडिया कैंप है, और ये जो साथ में दूसरा राइट साइड में पोर्शन है, थोड़ा सा ब्लूइश शेड आएगी, ये चाइना का है। तो थोड़ा टाइम पहले चाइना ने जो है अपना एरिया ये कब्जा लिया था, एक त्रिशूल माउंटेन था वो कब्जा आया था। और ये रहा मेमोरियल, रिजांगला मेमोरियल। यहाँ पे थोड़ी मेमोरियल चीज़ें हैं जो सारी की सारी शूट हो सकती हैं। बोला तो है, अलाउंस तो दिया, परमिट है, अंदर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। और ऐसा बहुत प्यारी जगह, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह, मतलब मज़ा आया देख के, बहुत ज़्यादा बढ़िया। बाकी दिखाते हैं आगे क्या क्या मिलता है। तेरे बिन मैं नहीं, बातें दिल में सब ये रह गई बेदिली क्या यूं ही। और जिस रास्ते से आए, जी वाले रास्ते से आए, 43 एक्सिस। और हमारे अभी जो LAC है, वो है हमारी ब्लैक टॉप, जेरा हिल, मखरी टॉप, रंगला पॉइंट 60 190। और ये रेड वाली, ये रेड वाली ये सारी चाइनीज है, ठीक है। और ये स्काई ब्लू है, ये हमारे सूखे नदी नाम है। और जो क्या नाम है, ग्रीन वाला है, वो पास्टिस है। उनकी सबसे हाईएस्ट चांगला, दूसरे चांगला है जुआइट है, और हमारी है जुआइट, उनकी त्रिशूलाइट। यार ये वाली लेक अगर हम हमारे पास होती तो हम देख सकते थे। ये त्रिशूल 61 62 ऑपरेशन सुन ले, पड़े तो इस्तेमाल किया जाए मशीन गन है ना, गन मशीन गन 3.303 MK2 बजूका टाइप लग रही है। तो MK8 भाई, मोटा है। हां इंच हमारे बैटल लो प्रेजेंट इंडियन आर्मी ने यूज किए थे, इंडियन आर्मी ये यूज्ड उस टाइम के सन 1962 के दौरान एक बहुत सैंडविच चीनी सैंडविच के ऊपर संगीत के साथ बात करते हुए दिखाए गए जो मेरे भाई ने ऑपरेशन सुन लैपर के द्वारा ऑपरेशन सुन लैपर एडी कमो द्वारा बनाया गया, जहाँ पर मेजी शैतान सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली थी। और जाते जाते चाइनीज भाषा में लिखी गई थी कि नो डू नॉट डिस्ट्रॉय, कि ना हम जो कोई उधर चाइनीज आए या हम आए कोई इसको तोड़े दाड़ी छोटे बार बोरी बनाए ऊपर, ठीक है। टैंक लवर रिजांगला मेमोरियल से निकल गए थे और अब बाइकें चला रहे हैं राइडर्स। राइडर्स नहीं, राइडर्स बने ड्राइवर, ड्राइवर बने राइडर्स। हाँ वही चीज़ हो गई अब। और भाई हानले के लिए निकलने के लिए रास्ता मत ढूंढो, ये जो तुम्हें दिखेगा ना सामने सामने, जो भी दिखेगा चलते रहो। हाँ चलते रहो, तुम्हें टायर के निशान दिख रहे हैं पकड़ लो, क्योंकि रास्ता तो मेरे ख्याल से है नहीं। कभी यहाँ घूम रहा है, कभी यहाँ घूम रहा है, हम भी कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं। बोर्ड्स लगाए, जिस भी बोर्ड पे देखो वहाँ पे हानले कहीं मेंशन नहीं है। सही बात है, कुछ डिफरेंट चीज ही मेंशन है। लोमा है, लोमा, हाँ लोमा टी सागा ऐसी जगह मेंशन है। और एकदम नो वेयर है, मतलब नो मैंस लैंड कह दो तुम, बिल्कुल नो मैंस लैंड। अभी तो फिर भी जेसीबी दिखी, पता नहीं क्यों दिखी है ऐसी, ये नो मैंस काम लगा रहा बंदा अपना। हाँ ये भी बात है भाई। अब ये इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और सारा का सारा इलाका ऐसा हो रखा है रेगिस्तान, अफगानिस्तान में बैठे हैं इस टाइम पे हम। खाली दे रहा मैंने ब्लॉग मसाले ऐसे डाल दूंगा, देख लो ध्यान। हमारे ट्रेलर से एकदम भगाते हुए
एक ट्रेलर ने पकड़ी है, एक हमने पकड़ी हुई है। उनकी वीडियोस बना रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं और बढ़िया जा रहे हैं। ठंडी हवा ही है भाई, ठंडी हवा तो है आगे रास्ते में नहीं हो रहा कुछ। ये आ गया भाई, रजांगला पास हवा है शायद से। ना 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 ना, ये है वेलकम टू सागला 15,260 फीट। अरे भाई कुछ तो फीट ही आ गए भाई। ओए होए होए, जन्नत भाई जन्नत। और ऊपर इंडियन आर्मी का, ये ऊपर मेरे ख्याल से स्टेज तो नहीं होगी, इंडियन आर्मी है भाई। तो धूल में आ गए कुछ, ऐसा कुछ तो गलत। ये सिर ऊपर कैंप्स है, गोप्रो से बना लेते हैं। ये बैठ ये कैंप से ऊपर सारे के सारे आर्मी, आर्मी एरिया प्रॉपर ही है सारा का सारा। इंडियन आर्मी यहाँ रहती है, आगे इसके आगे जाते ही सारा लाइन ऑफ कंट्रोल है और अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हाँ जी, और ऊपर हमें सोल्जर्स भी दिखाई दे रहे हैं। आपको तो वीडियो में नहीं दिखेंगे बट ऊपर हमें सोल्जर्स भी दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर। और ये देखिए जी भाई, कुछ फील है ये जगह, ऊपर वो जिप्सी आ रही है। कुछ जगह ही आए भाई, कुछ जगह ही आ गए हम तो। जनरली सामने की वैली देखो भाई, बहुत खड़ा पहाड़ है बिल्कुल। हां चढ़ने लायक है ये, हां चढ़ सकता है यहां से। ये हो रहा है ये नीचे आने की जगह भाई, यहां से उतारेगा जिप्स वो गारंटेड। हम चले यहां से, नहीं बंद कर रखा है बेंच जो साले उनको बनवा दे तू। अबे राइट में देख भाई, डाल मटन डाल दूंगा मेरी गॉड। कितनी सारी है ये, तो कुछ ज्यादा ही हो गई। हम तो मर जाएंगे बेदिली, क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे, कितनी दिलकश है वो कितना दिल जो हूं मैं। क्या सितम के हम दोनों ही मर जाएंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे बार इस बार कर जाएंगे। कैसे करूं तुझसे झूठे अहद, कैसे कहूं हम सुधर जाएंगे। देखो ना अब उनके एंट्री हो रखी होगी ना, Kind of faded, I can't focus, and now she wants to dance with me. She leaves nothing to a chance with me, and now it's one of those nights. Get the kiss of strobe lights. Ab dard ka ehsaas hi nahi, waqt ki jama aukaat hi rahi. Jana teri meri baat kuch aur, mano kisi mein wo baat hi nahi. Hum pe zindagi azaab hi rahi, humme fikrein hi khati rahi. Took a pill and I fucked the pain. कि कोई हमें कुछ ना कहे, मैं अभी अपने आप में नहीं। Can't let nobody fuck the vibe, उदासी लेकिन साथ ही रहे। अजीब सी एक आशनाई, अजीब सा एक एहसास ये कि हम तेरे खास नहीं। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे।
है गनीमत के असरार हस्ती से हम बेखबर आए हैं बेखबर जाएंगे तो आएगी। हाँ जी, तो पहुंच गए हैं एक मिडल ऑफ एरिया जहाँ पे बाइक्स लगी हुई हैं, गाड़ी लगी हुई है, फोटोशूट चल रहा है और ये साथ में इंडस रिवर बह रही है जिसका हमें पता नहीं था, लेकिन मैप ने बताया कि ये इंडस रिवर है। और यूँ देखो तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कहाँ आ गए हैं, एक तरफ रोड, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ समुद्र जैसा पानी। गलत ट्रैवल है भैया, बहुत मस्त है कि नहीं बातचीत? इंडस ही कहते हैं, इंडस ही कहते हैं। हानले की तो बातचीत ही लगे भाई, थोड़ी सी भाई कहीं नहीं है ये चीज। हाँ, सच में हानले बहुत ही ज्यादा प्यारी जगह है। अभी हम हानले पहुंचे भी नहीं है, इवन की अभी पहुंचना है हमने हानले, बट आई थिंक हानले का एरिया शुरू हो चुका होगा यहाँ से। और इतनी प्यारी जगह, यहाँ पे चेक पोस्ट आएंगे। हाँ, लेकिन जो भी हानले आए वो रिजांगला मेमोरियल होते हुए आए, हाँ, बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत ही कुछ देखने के लिए है वहाँ पे। जांस्कार ऑफ रोडिंग थी, मस्त जगह थी, मान रहा हूँ सारी ले पैंगोंग हो गया अपना। और कहाँ गए थे हम लोग भाई? जांस्कार के अलावा पैंगोंग चले गए हम लोग, काटमला वगैरह ये सब कुछ नहीं है। हानले की जगह, हानले जैसी जगह नहीं है भाई। चलो ठंड पड़ जाएगी वरना फिर। चलो चलो चलो, ठीक है जी, हो रहा लेकिन चलो चलो फिर चले जी। तो इंडस रिवर के साथ साथ चलते हैं अब आगे की तरफ। अब देखो आप यार, सीनिक ब्यूटी, मजाक की बात नहीं है यार, क्या जगह है हानले, कसम से। मेरा लद्दाख में मतलब ऐसा हो रहा था कि हाँ ठीक है, कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन हानले जैसी जगह तो भाई साहब एक नंबर, एक नंबर जगह है भाई साहब, एक नंबर। एंट्री होगी यहाँ पे, चेक पोस्ट है। शायद से तो रिकॉर्डिंग चालू है जी। अब सब सफेद है, कोई सा भी कह दे, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी, तू करे और हम सह लें, क्यों तू इतनी केयरलेस, ड्राइव मी क्रेजी व्हेन यू स्टे एट दिस, खौफ है खुदा वरना फियरलेस। 41 किलोमीटर स्थान ले, क्या बताऊँ यार, क्या जगह है ये, कसम से क्या बताऊँ आप लोगों को, कुछ अलग ही लेवल है यार ये। सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे, है गनीमत के असरार हस्ती से हम बेखबर आए हैं बेखबर जाएंगे। So can you keep a secret? Can you keep it? हाँ जी, तो पहुंच गए थे हम हानले और हानले में इस टाइम पे हो गया है डिनर टाइम और होम स्टे मिला था हमें रिक्शु, जहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स रह चुके हैं, जैसे दीपांशु हिल, जीएस फिल्म्स एंड एक्सपर्ट हरियाणवी एंड रेकलेस एडवेंचर्स। और अब बड़े यूट्यूबर बनेंगे हम, क्योंकि अब हम भी यहाँ रुक रहे हैं। और चलो कोई बात नहीं, लाइट तो आती रहती है। हाँ,
तो यहाँ पे डिनर करके हम साइनिंग ऑफ करने वाले हैं क्योंकि सो जाएंगे, सुबह का प्लान कुछ और रहेगा। और ये हमारे भैया, इनका ये होम स्टे है। और हाँ, खाना खाते हो तो दिखा दो, शादी की भी तो आएगी शादी। चलो गाइस, आज के लिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।